पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा मैं कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, नटराज की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो पेपर का साइज़ हमारा है A4 साइज़। और स्टार्ट आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है। और सर्कल आप कहाँ पर ड्रॉ करोगे, एकदम सेंटर में नहीं ड्रॉ करना, तो मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के फिर यहाँ पर ड्रॉ करना है। एक आइडिया आपको लग गया होगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है। और सर्कल के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप फ्रीहैंड नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो कोई भी सर्कुलर चीज़। तो इतना डिस्टेंस हमें छोड़ के ड्रॉ करना है, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है। और अब हमें ड्रॉ करनी है लाइन इस सेंटर के एकदम ठीक बीच में, कुछ इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बेसिकली हम अभी क्या कर रहे हैं, हम एक स्केलेटन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जो पूरी बॉडी है उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जितना हमारा हेड है उतना ही हम 3 पॉइंट मार्क करेंगे नीचे, और हल्के लाइटली मार्क करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी जो बताती है कि पूरा डिस्टेंस हमें बॉडी का कितना रखना है, ठीक है। और अब हम लोग शोल्डर्स ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो हमारा सर्कल है उसके नीचे। और शोल्डर्स की जो पूरी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, हमारे जो हमारा सर्कल है उतना ही हमें मेजर करते हुए साइड में दोनों तरफ ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट्स, और वहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चेस्ट के लिए एक शेप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा 2nd पॉइंट तक, जो आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ, ठीक है। और नीचे हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो पेल्विस के लिए होता है, ठीक है। तो ये बेसिक शेप है जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ ड्रॉ करनी है। और अब मैं साइड में हैंड्स के लिए 2 लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, जैसा आपको दिख रहा होगा। और ये लाइन्स जो है हमारे 2nd पॉइंट जो हमारा चेस्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हम पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये अपर आर्म्स के लिए हमारी लाइन्स है, और अब नीचे वाली लाइन्स हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, और कन्फ्यूज मत होइएगा अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो लगी हो, वीडियो आप दोबारा देखो और फिर ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, अब हम लोग ठीक इसी तरह लेग्स को भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो लेग्स यहाँ पे फोल्ड है, इसलिए जो अपर लेग्स है और जो नीचे वाला लेग है, तो मैंने कुछ इस तरह से अब पॉइंट्स मार्क करे हैं, ऐसे ड्रॉ कर लिए। तो ठीक, आप वैसे इसको फॉलो करिए, ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके। जो लेंथ है, जो हमारी जो नी है वो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए जो हमारे हैंड है उससे, ठीक है। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन जो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग इसमें धीरे धीरे डिटेल्स को ऐड करेंगे, और ये आप अगर अच्छे से ड्रॉ कर लोगे स्केलेटन, तो डेफिनेटली आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी जब आप पूरी ड्राइंग ओवरऑल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हेड के लिए मैंने पहले भी आपको डेमो दिया है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे हेड ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा हेड के ऊपर, क्योंकि मैंने एक स्पेशली एक वीडियो पूरी बनाई है हेड के ऊपर, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे समझने में। तो मैं अभी फ़िलहाल कंप्लीट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ हेड को, और ये सिर्फ मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कि हमारा जो हेड है वो करेक्ट हो रहा है, और ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हेड ड्रॉ कर लेंगे। एंड अब हम लोग ड्रॉ करेंगे बाकी की जो बॉडी है हमारी उसको। तो साइड में हम लोग यहाँ पे मसल्स को पहले ड्रॉ करेंगे, जो कॉलर मसल्स होते हैं यही बोलते हैं शायद इन्हें, ओके। फिर बाद में हम शोल्डर्स के लिए कुछ इस तरह से लाइंस को मार्क करेंगे, ओके। तो यहाँ पे शोल्डर्स के लिए मैं थोड़ा सर्कुलर जो ओवल शेप है उनको यूज़ कर रहा हूँ, और ओवल्स जो हमारी मसल्स है उसको अच्छे से दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मैंने ओवल ड्रॉ किया है, 2 ऊपर के लिए और 1 नीचे आर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा मस्कुलर टाइप का बनाएंगे आर्म्स को, बिकॉज हनुमान जी हैं ऑब्वियसली मस्कुलर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मसल्स को इस तरह से हमने दिखा दिया है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो भी होते हैं ये, ओके। और अब अराउंड मैं इन सर्कल के अराउंड जो है हमारी शेप वो उसको ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दूसरी साइड भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, बट इस बार मैं सर्कल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ आ गया हो कि कैसे हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस बार मैं सिंपली नॉर्मल तरीके से शेप को फॉलो कर रहा हूँ, उसी शेप को जैसे हमने इधर ड्रॉ किया था लेफ्ट वाले आर्म में, ओके। तो ड्रॉ करते रहेंगे ऐसी। और यहाँ पे जो बीच में जो हैंड्स है उन्हें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे अलग से आपको बता देता हूँ कि कैसा डायग्राम होने वाला है। ऊपर मैंने यहाँ पे रफ स्केचेस बना रखे थे पहले, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा, ओके। तो अभी हैंड्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम यहाँ हमने कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करनी है जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। तो ये हैंड्स जो है हमारे वो एक के ऊपर एक हैं, और यहाँ पे जो थम है वो आपस में टच कर रहे हैं, तो एक मेडिटेशन का पोज होता है ये, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है, तो ओके। तो कुछ इस तरह से हमें हैंड्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कैसे ड्रॉ करना है, वैसे अब हम लोग यहाँ पे ड्राइंग अपने ड्रॉ करेंगे,
ठीक है। तो सेंटर में हम लोग पॉइंट्स मार्क कर लेंगे पहले, और यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला पहले हैंड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम लोग जो है वो लेफ्ट वाला है जो हैंड है वो ड्रॉ करेंगे, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने हैंड ड्रॉ कर लिया है, और मैंने बहुत लाइट ड्रॉ किया क्योंकि ये लाइन्स हम बाद में इरेज कर देंगे, ठीक है। तो शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा, थोड़ा नेट अपना वेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने साइड में जो स्कार्फ एक ओढ़ रखा है और गमछा कह सकते हो, वो यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया है, यहाँ पे शोल्डर के एकदम जो हमारे आर्म्स से पीछे होके जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पॉइंट मार्क किया था वहाँ तक हम लोग चेस्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे हम लोग सिक्स पैक्स ड्रॉ करेंगे, एब्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एब्स के लिए मैं सिंपली लाइंस को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे बेली बटन जो हमारा नाभि होती है वो ड्रॉ कर देता हूँ, वो हमारा जो सेकंड पॉइंट था वहाँ तक होगी, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे की तरफ, जो हमारे लेग्स हैं, और लेग्स ये पूरे कंप्लीट एक तरह से यहाँ पे धोती जो पहन रखी है, तो वो मैं पूरा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कंप्लीट, और डिटेल में अभी लेग्स को नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट स्ट्रक्चर, और अगर आपका ये स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ हो गया तो समझ लो आपकी पूरी ड्राइंग जो है वो कमाल की बनने वाली है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और डिटेल्स वगैरह वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो अगर आप टाइम और इन्वेस्ट करके इसमें ड्रॉ करोगे तो आप और अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो जो मेन पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक जो आप लोग देख रहे हो, ये टूटी फूटी लाइन्स जो देख रहे हो वो चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टेल भी ड्रॉ कर दी है, जो हमारी पूँछ है हनुमान जी की, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हल्का सा लाइटली रबर से इरेज कर दे रहा हूँ पूरा जो हल्का सा ड्राइंग है। अब आपको शायद देखने में और भी दिक्कत हो रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग इसको और शार्प करेंगे और डिटेल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी डार्कर पेंसिल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, हल्के हाथों से आपको इरेज करना है, पूरा मत इरेज कर देना जिससे आपको दिखाई भी ना दे, ठीक है। तो अब हम लोग डार्क पेंसिल यूज़ करके ड्रॉ करेंगे लाइन्स को, अब और अच्छे से ड्रॉ करेंगे, अब क्लीन स्केच ड्रॉ करेंगे। अभी तक हम लोग रफ स्केच ड्रॉ कर रहे थे, अब हम लोग क्लीन स्केच ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग हमारा माइंड शिफ्ट जो है वो चेंज होना चाहिए, अब हमें एक अच्छी जो है लाइंस ड्रॉ करनी है, साफ सुथरी लाइंस। और अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको फॉलो करते रहना है, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, और वही मेन पार्ट था, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छे से अगर वो आपने ड्रॉ कर लिया तो बाकी का पार्ट जो है वो इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ड्रॉ करने में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ, जैसे यहाँ पे शोल्डर लिया था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था राइट शोल्डर जो है वो डाउन हो गया है, तो उसको मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो हम लोग फिक्स करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आर्म्स जो है वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया है, तो उसको मैं फिक्स कर दूंगा, जैसे हमने दोनों तरफ हमारा सेम होना चाहिए। और या बाकी हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते रहेंगे, बाकी जो मसल्स वगैरह है वो थोड़ा एनाटॉमिकल यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल्स वगैरह मसल्स की तरफ आप मत देखिएगा, और जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ड्रॉ करिए, फ्री माइंड से ड्रॉ करिए, कोई ऐसा प्रेशर अपने ऊपर मत लीजिए कि आपको एकदम करेक्ट और मेरे जैसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अपने तरह से ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा अपना इसमें जो आपको आइडिया लग रहा है वो आप ऐड कर सकते हो, और अगर इस पूरी ड्राइंग का मतलब है आपको पूरा एक अपना इंटरेस्ट लेके इसमें ड्रॉ करना है और मज़े लेके ड्रॉ करो, कोई ऐसा बहुत प्रेशर मत अपने ऊपर डालो कि आपको एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना है, अजय की तरह ड्रॉ करना है तो ऐसा कुछ मत सोचो। अब नीचे हम लोग धोती ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल जो फोल्ड होते हैं वो मैंने दिखाने की कोशिश करी है कुछ इस तरह से, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। और लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सी, और अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे फेस की तरफ, जी हाँ फेस की तरफ। तो फेस के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जैसे मैंने अभी पहले बताया भी था आपको, आप उसको फॉलो करके यहाँ पे फेस को ड्रॉ कर सकते हो। इस वीडियो को पॉज करो और अभी उस वीडियो का देखो जाके, और फिर फेस को ड्रॉ करना यहाँ पे स्टार्ट करो, ठीक है। फिर वापस आओ इसी वीडियो पे, और फिर इसको लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और फिर कंटिन्यू करो अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करना।
थोड़ा मैं बता भी देता हूँ अगर आप लोग वीडियो यही कंटिन्यू कर रहे हो तो। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में ड्रॉ किया था तो यहाँ पे डिटेल वाला पार्ट है, तो इसके लिए आप अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स हैं, आइज़ वगैरह, आईब्रोज वगैरह, नोज वगैरह, तो उनको ड्रॉ करने के लिए पेंसिल जो है अच्छे से शार्प कर लेना और फिर ड्रॉ करना, ठीक है। ओके गाइज, तो ये मेरा इस साल का आखिरी वीडियो है और यहाँ पे कुछ मैं पर्सनल टॉक जो है वो आपके साथ करता हूँ जब तक मैं पेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस साल हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है इस चैनल पे और मैंने काफ़ी अच्छी ऑडियंस जो है, आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप मेरी काफ़ी अच्छी और प्यारी ऑडियंस हो। आपने मेरी जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं सभी देखी ऑलमोस्ट, और अगले साल भी हम लोग कुछ इसी तरह से और अच्छे से और नए ट्यूटोरियल्स के साथ वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो सपोर्ट करते रहिएगा जितनी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे ड्राइंग्स जो है वो बना के दिखाऊँ और सिखाऊँ आपको। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को और सबको हैप्पी न्यू ईयर क्योंकि हमारी आखिरी वीडियो है और उसके बाद मैं अब अगले साल मिलूँगा आपको नेक्स्ट ईयर 2023 में सीधा। तो क्या यही कुछ पर्सनल टॉक था। के बढ़ते हैं हम ड्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं गले में जो है वो रुद्राक्ष एक ड्रॉ कर रहा हूँ, माला जो है, और शोल्डर्स में ये छोटी मोटी डिटेल्स हैं, आप अपनी तरफ से और भी इसमें डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। बैंगल्स ऐड कर दिए मैंने हैंड पे, तो इस तरह से आप लोग और भी डिटेल्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हो और इस ड्रॉइंग को जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपने स्टाइल अपने तरीके से। ओके, तो हम बढ़ते हैं टेल की तरफ और टेल हमें कैसे ड्रॉ करनी है। तो इतना हो जाने के बाद टेल जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो पूंछ है वो हमें फ्लो में ड्रॉ करनी है एक। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल जो है लाइंस जो है वो पहले भी ड्रॉ कर ली थी, उसी के ऊपर मैं कोशिश करूँगा इसको दोहराने की, रिपीट करने की कुछ इस तरह से। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राउंड सी शेप है, एक फ्लो मेंटेन करके रखना है। और यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था उस वीडियो में, जैसा कि यहाँ पे हवा चल रही है और मैंने वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पे, तो हमारी जो टेल है उसी डायरेक्शन में, हवा की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी है, उसको मैं फिक्स करता हूँ और कुछ इस तरह से अब हमारी टेल जो है उसमें डिटेल वगैरह थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हल्का सा मुझे लग रहा है नीचे यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, तो ये चलता रहता है ड्राइंग में, अगर आप करते हो तो थोड़ी डी गलतियाँ होती रहती है, सबसे होती हैं, और डोंट वरी अगर आपसे भी गलती हो जाए तो। तो फाइनली हमने जो हमारी आउटलाइंस हैं कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिए हैं और अभी ये थोड़ी सी लाइट लग रही है, तो अब मैं इसमें एक बार और अच्छे से इसको और क्लीन तरीके से, एक शार्प तरीके से जो मुझे अच्छा लगता है वो ड्रॉ करने वाला हूँ। जो हमने पहले लाइन्स ड्रॉ करी थी वो इरेज कर लेता हूँ और जो हमारी डार्क पेंसिल है उससे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ कम्प्लीटली। ओके, तो ये एक टाइमलेस वीडियो है, एंजॉय करो और देखो वीडियो कैसे लगता है आपको। तो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा अगर आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं तो जो लाइंस होती है उनको, आउटलाइंस जो है बाहर वाली, उन्हें थोड़ा थिक कर देता हूँ जिससे हमारी ड्राइंग जो है थोड़ी सी और अट्रैक्टिव और ना पॉप आउट हो जाती है एक तरह से। तो इस तरह से मेरे को ड्रॉ करना थोड़ा अच्छा लगता है, वही चीज़ मैं यहाँ पे करी है और अक्सर मैं अपनी ड्राइंग्स पे वही चीज़ करता हूँ, तो इससे थोड़ी सी ड्राइंग जो है और अट्रैक्टिव लगने लगती है और जिससे आप लोग और अच्छे से क्लिक करते हो वीडियोस पे थंबनेल्स में देखकर। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग थंबनेल बना रहे हैं वीडियो के लिए, हल्की सी डिटेल्स वगैरह जो वो ऐड कर रहे हैं। ओके, तो आउटलाइंस तो हमने ड्रॉ कर लिए है। अगर आपको इस वीडियो को, अगर आप इस ड्राइंग को शेड करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग वो एक एम दिया है मैंने, आप 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स कंप्लीट कर देते हो तो डेफिनेटली मैं इस पूरी ड्राइंग को आपको बताऊंगा कि आप कैसे शेड कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे इस टारगेट पर पूरा।
है हमारा फाइनल लुक इस कंप्लीट ड्राइंग का, और उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से ड्रॉ किया होगा और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को।